Hello, 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 hello. Hello, everybody. How are you all? I hope that you guys are doing really, really good. Welcome to the platform of Unacademy. Unacademy pe aapka swagat hai. I welcome you all. A very, very, very good afternoon, everybody. A very, very, very good. Okay. A very, very, very good afternoon. Good afternoon. चलिए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. तो बच्चों आज की क्लास में हम बुल्ट रिवीजन करने वाले हैं. किसका? ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का. तो ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और इसकी रिवीजन हम आज की क्लास में करेंगे. और आपसे मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 100% क्लास में रहना चाहिए. अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से एक घंटा इस सेशन को दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहना चाहिए. इसके लिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपको स्क्रीन पे करनी है. ठीक है? ऑल राइट. कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूं. चलिए अगर आप लोग तैयार हैं तो हमारे बुल्ट रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं. बताओ बच्चों, आर यू गाइज रेडी? इफ येस देन लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. करें सेशन को स्टार्ट. आप लोग तैयार हैं? चलिए. ऑल राइट, फोकस मोड ऑन. चलिए. हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून. चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट. व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जहां प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, इवन डिसीजंस किसकी मदद से किए जाते हैं? कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं. इसको हम आईटी भी बोलते हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं. तो मुझे बताओ, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे व्हाट इज द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. सारे बच्चे रिपीट करेंगे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पोड 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 पी ओ ए डी मतलब जहां पे प्रोसेसेस, इवन ऑपरेशंस, इवन अकाउंटिंग, इवन डिसीजंस किसकी मदद से लिए जाते हैं? कंप्यूटर की मदद से लिए जाते हैं. इन ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. इसे हम आईटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं, जो भी बोल दीजिए. तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है. चलिए ऑल राइट मैम, आगे बढ़ते हैं. अब है की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब चीजें कंप्यूटर की मदद से हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, कंप्यूटर की मदद से हो रही है. ऐसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या की फीचर्स होते हैं? तो चलिए देखते हैं. की फीचर्स हैं ये. इसका एक बार मैं रीडिंग करती हूं. पहले देखो अगर ऑफकोर्स कंप्यूटर की मदद से काम होगा तो सारा काम फास्टर होगा. डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशन सब फास्टर हो जाएगी, एक्यूरेट होगी. लार्ज वॉल्यूम के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे. एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. बिजनेस ऑपरेशन, एक बिजनेस ऑपरेशन दूसरे बिजनेस ऑपरेशन से इंटीग्रेटेड रहेगा. बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंट्रोल रहेगा. ह्यूमन एरर कम हो जाएंगे. प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर की मदद से तो ऑफकोर्स आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी. कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज है. तो मेमोरी टेक्निक क्या है इसका? सारे बच्चे ध्यान देंगे. मेमोरी टेक्निक है पे फाइंस. सारे बच्चे बताएंगे मेमोरी टेक्निक क्या है? पे फाइंस. मेमोरी टेक्निक क्या है? पे फाइंस. बोलो मेरे साथ, मेमोरी टेक्निक क्या है? पे फाइन. ज्यादा कंप्यूटर यूज करोगे तो क्या पे करना पड़ेगा? फाइन. ज्यादा कंप्यूटर यूज करोगे तो क्या पे करना पड़ेगा? फाइन. पी मतलब क्या है? इट प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. लार्ज वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन फटाफट प्रोसेस हो जाते हैं. ए मतलब एक्यूरेसी. डेटा प्रोसेसिंग में कड़क एक्यूरेसी रहती है. वाई मतलब कुछ नहीं है. एफ मतलब सारे बिजनेस ऑपरेशन क्या हो जाते हैं? फास्ट हो जाते हैं. एफ मतलब फास्ट हो जाते हैं. आई मतलब इंटीग्रेशन. एक बिजनेस ऑपरेशन दूसरे बिजनेस ऑपरेशन से इंटीग्रेटेड है. एन फॉर नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज. ई मतलब एरर होने के चांसेस कम है. एस मतलब बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल. सिक्योरिटी बढ़िया रहेगी, कंट्रोल बढ़िया रहेगा अगर कंप्यूटर की मदद लोगे तो. तो मेरे को एक बात बता दो, की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो सारे बच्चे क्या बताएंगे?
पे फाइंस, पी ए वाई एफ आई एन ई एस। तो मेरे को बताएंगे पे फाइंस में पी क्या है, प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्यूरेसी है डेटा प्रोसेसिंग में, फास्ट बिजनेस ऑपरेशन है, एक बिजनेस ऑपरेशन दूसरे से इंटीग्रेटेड है, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी है, ई मतलब एरर के चांसेस कम है, बेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़िया बढ़िया एकदम बिल्कुल सही है, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। तो ये हो गए आपके की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। वेरी गुड बेटा जी। चलिए रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट। ऑडिट के अंदर आईटी कितना रेलेवेंट है, देखिए कंपनीज जो है ना बहुत बेनिफिट डिराइव करती है आईटी को यूज करके। आपने अभी पढ़ा बिजनेस ऑपरेशन फास्ट हो जाते हैं, प्रोसेस एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन फटाफट प्रोसेस हो जाते हैं। तो देखो कंपनीज बहुत बेनिफिट डिराइव करती है आईटी को यूज करके, करेक्ट। कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो कहता है ऑडिटर को आईटी सिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि सारा काम आईटी की मदद से हो रहा है, तो आईटी को समझना तो जरूरी है। यस, कहता है देखो आईटी की मदद से, आईटी के मदद से ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट, रिलायबल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से होते हैं। आईटी की मदद से सारा का सारा काम बहुत ही एक्यूरेसी से, रिलायबल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से होता है। लेकिन आईटी से रिस्क भी बहुत आती है, तो आपको आईटी को समझना जरूरी है। आईटी इज रेलेवेंट। आईटी के अगर फायदे हैं तो आईटी को यूज करने के नुकसान भी अपने ही हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको दिए हुए हैं जिसमें आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट, मतलब ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को आईटी की मदद लगेगी। यहाँ पे आपको एग्जाम में यही लाइन लिखी हुई आ सकती है कि कुछ एग्जाम्पल दो सिचुएशंस के जहां पे ऑडिटर आईटी की मदद लेगा, जहां पे ऑडिटर आईटी की मदद लेगा ऑडिट करने के लिए। कहता है कुछ सिचुएशंस का एग्जाम्पल दो जहां ऑडिट के अंदर ऑडिटर आईटी की मदद लेगा। तो मुझे बताइए क्या सिचुएशंस के एग्जाम्पल है। पहला है बिजनेस। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर आपके बिजनेस का नेचर हाईटेक है, जैसे अगर आप अमेजोन की ऑडिट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको आईटी की मदद लगेगी। बिना कंप्यूटर के क्या आप अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज के ऑडिट को कर सकते हो? नहीं। तो अगर बिजनेस का नेचर हाईटेक है या फिर बिजनेस में बहुत ज्यादा सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंक्रीज्ड यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की ऑडिट कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन या सिस्टम वगैरह यूज हो रहे हैं, इंक्रीज्ड यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन, तो आपको एज एन ऑडिटर आपको भी आईटी की मदद लेनी पड़ेगी। बिजनेस में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस। कहता है या तो देखो ट्रांजैक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आपको आईटी ऑडिट करने के लिए आपको भी आईटी की मदद लगेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके बाद कहता है अगर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम हाई हो तो, अगर बहुत ज्यादा, मान लो अगर आप किसी बैंक की ऑडिट कर रहे हो या लेट्स से रेलवे की ऑडिट कर रहे हो, तो आपको कंप्यूटर की मदद लगेगी क्योंकि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम क्या है, बहुत आया है। तो बिजनेस के ऊपर दो पॉइंट है, बिजनेस का नेचर हाईटेक है या बिजनेस में बहुत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, या ट्रांजैक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है या ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ही हाई है, फिर या फिर एज पर लॉ, मतलब देखो या तो देखो कंपनी के लॉज है, कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है कि ऑडिट में आईटी की मदद लेनी पड़ेगी, या एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, या एज पर इंडियन या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ओके। और अगर आप इनकी मदद लोगे तो ऑडिट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर ऑडिटर आईटी की मदद लेगा तो ओवरऑल ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ कुछ सिचुएशंस के एग्जांपल दो जहां आईटी रेलेवेंट रहेगा। देंगे सारे बच्चे एग्जांपल। पहला क्या है, बिजनेस पे दो पॉइंट, बिजनेस का नेचर हाईटेक है या इंक्रीज्ड यूज ऑफ सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ट्रांजैक्शन क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है या ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या लॉ के ऊपर तीन पॉइंट, देखो या तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या कंपनी खुद की पॉलिसी है या इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या फिर ओवरऑल जब आईटी अगर यूज होगा तो इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा, ऑडिट का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सारे बच्चे, वेरी बच्चे, एवरीबडी समझ में आ गया क्या बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे, एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए ओके, चलिए ओके। अब देखो अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरमेंट।
मेरे को बताओ, क्या आपको ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए? क्या आपको ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को, मतलब आपको मैंने अभी बताया, एक मिनट, सबसे पहले आगे जाने से पहले क्या हम लोग सेम पेज पे हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हो, मतलब मैं जिस पेज पे हूं उसी पेज पे है ना आप लोग? ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑडिटर को ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझना चाहिए क्या? हाँ, अब आप लोग आईटी इतना ज्यादा यूज करते हो, कंपनीज आजकल किसी भी कंपनी में आप जाओगे कंप्यूटर तो यूज हो ही रहा है, तो देखो इतना ज्यादा आईटी यूज हो रहा है कि ऑडिटर को भी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझना जरूरी है। पर मैडम, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में क्या समझे भाई? समझना तो जरूरी है, बट क्या समझे ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में? चलिए आइए देखते हैं, आप क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में, आप क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, किन किन चीजों को समझेंगे? चलिए आपको मेमोरी टेक्निक पे ले चलते हैं। मेमोरी टेक्निक है आई हॉप वकील। कोई भी चीज समझने के लिए आप किसके पास जाते हो? कोई भी चीज समझने के लिए वकील के पास जाते हो क्या? तो एक से दूसरे वकील के पास, आई हॉप वकील, आई हॉप वकील। मेरे को बताओ, कोई भी चीज समझना है तो किसके पास जाओगे? एक से दूसरे वकील के पास हॉप करोगे। तो आई, मुझे बताओ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में आप क्या क्या समझोगे? आई क्या है? आप सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, विच इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड, विच इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बीइंग यूज्ड। आई मतलब आप ये देखोगे कौन सा एप्लीकेशन वगैरह यूज हो रहा है कंपनी में, क्या एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं। अब ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझने गए हो तो पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कंपनी किस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड। उसके बाद आप ये देखेंगे, आई तो हो गया, एच ओ पी हॉप, एच मतलब आप ये देखेंगे जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है क्या ये इन हाउस है, मतलब अंदर बना है, कंपनी ने डेवलप करवाया है या पैकेज है, बाहर से है। तो आई एच मतलब इन हाउस है कि पैकेज है। ओ मतलब आउटसोर्स्ड एक्टिविटी। अब इस सिस्टम, इस एप्लीकेशन को लेके क्या क्या एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रखी है, लाइक मेंटेनेंस की, सपोर्ट की, क्या क्या एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड है, तो ओ मतलब आउटसोर्स्ड क्या क्या एक्टिविटीज है। पी मतलब पर्पस, अब इस एप्लीकेशन को यूज करने का पर्पस क्या है? अगर मान लो कंपनी ने ईआरपी लगाया है तो क्यों लगाया है, क्या पर्पस है, फाइनेंशियल पर्पस के लिए या नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए, क्या पर्पस है लगाने का, तो पी मतलब पर्पस। वेरी गुड। एंड देन वकील, वी ए के आई एल। आप देखो आपके मोबाइल के भी तो कितने वर्जन होते हैं, मतलब जब आप कोई भी सिस्टम यूज करते हो अपडेट्स आते रहते हैं क्या सिस्टम में? अपडेट्स आते रहते हैं ना, तो अलग अलग वर्जन होते हैं, तो ऑडिटर वी मतलब वर्जन देखेगा, ए मतलब आर्किटेक्चर समझेगा कि जो भी सिस्टम एप्लीकेशन कंपनी यूज कर रही है क्या ये, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, क्या ये डेस्कटॉप बेस्ड है, क्या ये क्लाउड बेस्ड है, क्या ये वेब एप्लीकेशन है, क्या है ये, ऑडिटर आर्किटेक्चर समझेगा। की मतलब की पर्सन, इसको एडमिनिस्ट्रेटर करने वाले कौन लोग हैं कंपनी में, एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है, ऑडिटर की पर्सन समझेगा कि इसको चलाने वाले की लोग कौन है। इंटरफेसेस विद इन सिस्टम, अगर इस कंपनी में मल्टीपल, एक से ज्यादा सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक दूसरे से कैसे, इंटरफेस कैसा है इनका, इंटरफेसेस समझेगा ऑडिटर। एल मतलब लोकेशन, जो भी सिस्टम यूज हो रहा है क्या ये लोकली लोकेटेड है या ग्लोबली लोकेटेड है, तो लोकेशन समझेगा ऑडिटर। मेरे को एक बात बताओ, मेमोरी टेक्निक मैंने क्या बोली, आप ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में क्या समझोगे? ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझना तो जरूरी है ना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तो क्या अंडरस्टैंड करोगे? आई हॉप वकील। अब क्या देखोगे, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है पहले तो वो देखोगे। पी मतलब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड है, लाइक मेंटेनेंस वगैरह के, सपोर्ट वगैरह के। एच मतलब क्या ये इनहाउस है या फिर ये पैकेज्ड है, क्या है, पैकेज खरीदा था, व्हाटएवर इट इज। वी मतलब इसका वर्जन क्या है, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। ए मतलब आर्किटेक्चर, क्या ये क्लाउड बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, वेब एप्लीकेशन है, किस तरह का आर्किटेक्चर है इसका। के मतलब की पर्सन, इसके की पर्सन कौन है, मतलब सीआईओ कौन है, सीआईएसओ कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। आई मतलब इंटरफेस, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के बीच में इंटरफेस कैसा है। एल मतलब लोकेशन क्या है, क्या ये लोकली लोकेटेड है या ग्लोबली लोकेटेड है, तो आप लोकेशन समझेंगे।
Ekant, ma'am. Hello, ma'am. I'm your recorded student. I'm solving MTPs of audit, gaining confidence, and score always stuck around 50. Please suggest. Ekant, I would request you ki beta match your answer with suggested answer. कहीं ना कहीं जो चीज आप लिख रहे हो ना, मे बी दैट्स नॉट अप टू द मार्क, या आपको अपनी वीकनेस समझ में नहीं आ रही है. एंड आई कैन स्पॉट योर वीकनेस, दैट इज आपके राइटिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है, मतलब प्रेजेंटेशन में दिक्कत है. तो जो भी आंसर लिखते हो उसको सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करो, तो आपको पता चलेगा वेर आर यू गोइंग रॉन्ग. ठीक है, ओके. चलिए, ऑल राइट. तो ये आपने अंडरस्टैंड कर दिया बेटा, किसी का भी कोई वेटेज का पता नहीं. आईसीआई कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर बेटा, प्रिपेयर एवरीथिंग प्रॉपरली. तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझ लिया क्या? हाँ, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझ लिया क्या? हाँ, आई हॉक वकील कर लिया. अब आपको जब ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को आपको समझ लिया, आपने समझ लिया, तो आईटी से जो रिस्क आ रही है वो भी तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. देखो, आपको ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को समझना है, ऑडिटर ने समझ लिया आई हॉप वकील करके. आईटी के यूज करने के अगर फायदे बहुत हैं, तो आईटी से आने वाली रिस्क भी बहुत है, तो आपको रिस्क को भी समझना पड़ेगा. तो क्या क्या रिस्क है? गिवन बिलो आर सम रिस्क दैट शुड बी कंसिडर्ड. ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को यूज करने के क्या क्या रिस्क है वो हम देखते हैं. चलिए, मेमोरी टेक्निक क्या है? मेमोरी टेक्निक, रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? तो डेटा के ऊपर आपके तीन पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स हैं. तो डेटा के ऊपर मेमोरी टेक्निक है क्लैप. डेटा से रिलेटेड क्या है बेटा जी? चार पॉइंट्स है. तो डेटा, क्लैप एंड चेंजेस. कोई भी चीज में आपको कोई चेंजेस करने बोलता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? उफ. चेंजेस के ऊपर दो पॉइंट है, उफ. तो आपके यहाँ पे छह पॉइंट्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे. डेटा के ऊपर कितने पॉइंट्स है? चार. मेमोरी टेक्निक है क्लैप. डेटा, डेटा मिलते ही आप खुश हो जाते हो, क्लैप. चेंजेस करने कोई बोलता है आपका मुंह जाता है, उफ. डेटा, क्लैप. सी मतलब क्या रिस्क है आईटी से आने वाले? डेटा में चेंजेस हो जाते हैं क्या अपने आप? डायरेक्ट डायरेक्ट चेंजेस हो जाते हैं. कई बार आपने डेटा जो डाला है सिस्टम में, अपने आप चेंजेस हो जाते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट चेंजेस इन डेटा. कई बार डेटा का लॉस हो जाता है क्या? लॉस. कई बार डेटा ही उड़ जाता है क्या सिस्टम से? हाँ, लॉस ऑफ डेटा. कई बार अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है क्या डेटा में? हाँ, अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया तो अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है डेटा में. पी मतलब प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा. कई बार ऐसा हो जाता है क्या कि आपका सिस्टम गलत प्रोसेसिंग कर रहा है, या गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है, या तो देख इनएक्यूरेट डेटा है जिसका प्रोसेसिंग चल रहा है, या फिर प्रोसेस ही गलत हो रहा है, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा. तो ये क्या? डेटा, क्लैप. सी एल ए पी, क्लैप. डेटा से रिलेटेड कितने पॉइंट्स है? चार. चेंजेस इन डेटा, लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. पी मतलब प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा या इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. चलिए, चेंजेस को लेके उफ. कई बार अनऑथराइज्ड चेंजेस कर सकता है क्या कोई सिस्टम में? चेंजेस पे दो पॉइंट है. कई बार यू मतलब अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाते हैं सिस्टम में, और कई बार आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप कर नहीं पाते. फेलियर टू मेक चेंजेस इन द सिस्टम, उसकी वजह से भी रिस्क आ जाती है. तो फेलियर टू मेक चेंजेस इन द सिस्टम, यूएफ, उफ. दो पॉइंट यहां मेमोरी टेक्निक में नहीं आए, वो है कई बार जब ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में सेग्रीगेशन नहीं हो पाता ड्यूटीज का, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो पाता, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, या फिर एक्सेसिव एक्सेस या प्रिविलेज्ड एक्सेस. कई बार क्या हो जाता है? प्रिविलेज्ड एक्सेस. कईयों के पास, जैसे सुपर यूजर्स जो होते हैं, उनके पास प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है. वो लोग सिस्टम में कहीं पे कुछ भी देख सकते हैं, एक्सेसिव एक्सेस होता है. तो उससे भी बहुत रिस्क जनरेट होती है. तो एक्सेसिव एक्सेस या प्रिविलेज्ड एक्सेस, मेरे को बताओगे डेटा से आने वाले रिस्क? डेटा से आने वाले रिस्क, सी मतलब डेटा में क्या हो जाते हैं कई बार चेंजेस, डायरेक्ट डेटा चेंजेस. लॉस, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. पी मतलब प्रोसेसिंग, या तो आप इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस कर रहे हो या फिर प्रोसेसिंग ही गलत हो रही है. अनऑथराइज्ड चेंजेस इन द सिस्टम, या फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सिस्टम. दो और है, दैट इज कई बार एक्सेसिव एक्सेस भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सुपर यूजर्स को जो आप एक्सेसिव एक्सेस देते हो वो, या फिर लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ड्यूटीज डिवाइड नहीं हो पाती, ड्यूटीज कई बार सेग्रीगेट नहीं हो पाती है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में. एवरीबॉडी, आर वी ऑन द सेम पेज बेटा जी?
यहां तक सबको रिस्क वगैरह याद हो गए, ये था कि डेटा में आप क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे और आईटी से आने वाली रिस्क क्या है। तो आई होप वकील ये हो गया और रिस्क हो गया। Are you on the same page? Yes, madam. Perfect. चलिए तो ये आपका पॉइंट हो गया। आगे अब ये जो आईटी से आने वाले इतने रिस्क है, आईटी से इतने रिस्क आ रहे हैं, डेटा चेंज हो जा रहा है, डेटा का लॉस हो जा रहा है, फलाना वलाना, इतने रिस्क है। तो ये जो आईटी से रिस्क आ रहा है, इन रिस्क का ऑडिट पे, कंट्रोल पे, रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट है? What is the impact of risk on audit? ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है? फर्स्ट ऑडिट पे, सेकंड कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट है, और थर्ड आपकी रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट आता है। तो चलिए पढ़े। फर्स्ट क्या है, देखो अगर आईटी से इतनी रिस्क आ रही है, मतलब डेटा चेंज हो रहा है, डेटा का लॉस हो रहा है, अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम में, तो अगर आईटी से इतनी रिस्क आ रही है तो ऑडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कहते देखो ऑडिटर हो सकता है रिलाय ना कर पाए डेटा पे, है ना। अगर आईटी से इतनी रिस्क आएगी तो हो सकता है ऑडिटर इस डेटा पर रिलाय ना कर पाए जो भी डेटा सिस्टम से जनरेट हो रहा है, अगर इतनी रिस्क एग्जिस्ट करती है तो। दिस मींस दैट डेटा पे ऑडिटर रिलाय नहीं कर पाएगा, तो ऑडिटर को सारे डेटा को, सारे इंफॉर्मेशन को, सारे रिपोर्ट जो भी सिस्टम से ऑब्टेन हुए हैं, ऑडिटर को थोरली टेस्ट करने पड़ेंगे कि वो कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। इतना अगर ऑडिट में आईटी से अगर इतना रिस्क आ रहा है तो सबसे पहले ऑडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑडिटर डेटा पे और सिस्टम पे रिलाय नहीं कर पाएगा, ऑडिटर को पूरे डेटा को, पूरी इंफॉर्मेशन को थॉरली टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि ऑडिटर डेटा पे रिलाय नहीं कर पाएगा। कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? ऑडिटर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे भी रिलाय नहीं कर पाएगा, अगर आईटी यूज करने से इतनी रिस्क आ रही है, इतनी रिस्क है, तो ऑडिटर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है जो भी कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो इनबिल्ट है एप्लीकेशंस में, ऑडिटर उन पे रिलाय नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू रिलाय ऑन दी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो कंट्रोल पे आप रिलाय नहीं कर पाओगे तो आपको एडिशनल ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडिशनल ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। और थर्ड क्या होगा? ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट में ऑल्सो हैव टू बी मॉडिफाइड। ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट भी, अगर आईटी से इतनी रिस्क आ रही है तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट भी क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और ऑडिटर को वैसे भी आपको पता है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी क्या करना पड़ता है? रिपोर्ट करना पड़ता है। आईएफसी पे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आईटी से रिस्क आ रही है तो ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे इंपैक्ट ऑफ दिस रिस्क, ये जो रिस्क इतनी आ रही है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? ऑडिट पे, कंट्रोल्स पे और रिपोर्टिंग पे। ऑडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑडिटर रिलाय नहीं कर पाएगा, मे नॉट बी एबल टू रिलाय ऑन डेटा इंफॉर्मेशन जेनरेटेड फ्रॉम सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जेनरेट हो रहा है, सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन जेनरेट हो रही है, ऑडिटर उन पे रिलाय नहीं कर पाएगा, और ऑडिटर को सारे डेटा को क्या करना पड़ेगा? थोरोली टेस्ट करना पड़ेगा, सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन को थोरोली टेस्ट करना पड़ेगा फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। कंट्रोल पे क्या आएगा? ऑडिटर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं कर पाएगा, मे नॉट बी एबल टू rely on automated controls। आप rely नहीं कर पाओगे, पहली बात, automated controls पे आप बिल्कुल भी reliance place नहीं कर पाएंगे। and क्या होगा बेटा? and आपका, आपको additional work करना पड़ेगा, additional work needs to be performed। auditor को additional work को perform करना पड़ेगा। reporting पे देखो आपको ये पता ही है, as per regulatory requirement ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और अगर आईटी से रिस्क आ रही है तो ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर देगा। एवरीबॉडी
ये रहेगा आपका क्वेश्चन किसका, कि रिस्क से क्या इंपैक्ट आता है ऑडिट पे, कंट्रोल्स पे और रिपोर्टिंग पे। तो रिस्क का क्या इंपैक्ट है ऑडिट पे, कंट्रोल्स पे और रिपोर्टिंग पे, ये आपने भली भांति क्या कर लिया, समझ लिया। चलिए हो टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। मेरे को बताओ, अगर आईटी से इतनी रिस्क आएगी तो आपको कुछ कंट्रोल्स को भी लगाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो इतनी रिस्क आ रही है तो रिस्क से आपको बचने के लिए कुछ कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में कितने टाइप के कंट्रोल होते हैं? तीन टाइप के, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट एग्जिस्ट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। जनरल आईटी कंट्रोल मतलब कौन से कंट्रोल हो गए? कहता है जनरल आईटी कंट्रोल वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो सारे एप्लीकेशंस पे लगते हैं। मोस्टली आपके सिस्टम में जितने एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर ये जनरल आईटी कंट्रोल्स लगते हैं। कहता है जनरल आईटी कंट्रोल वो पॉलिसीज और वो प्रोसीजर्स है जो बहुत सारे एप्लीकेशंस पे लगते हैं एंड सपोर्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। तो ये जनरल आईटी कंट्रोल किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट्स दी फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। तो जनरल आईटी कंट्रोल किसको सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स दी फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल का काम क्या होता है? डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। एप्लीकेशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है, क्या पर्पज होता है? डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने का काम एप्लीकेशन कंट्रोल का है। तो जनरल आईटी कंट्रोल भी क्या करता है? एप्लीकेशन कंट्रोल को सपोर्ट ही कर रहा है। तो जनरल आईटी कंट्रोल का भी क्या काम है? डेटा के इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। जनरल आईटी कंट्रोल का भी क्या काम है? डेटा के इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम है। चलिए, अब जो आपका जनरल आईटी कंट्रोल है, जनरल आईटी कंट्रोल इंक्लूड्स द कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग। जनरल आईटी कंट्रोल किन किन पे कंट्रोल करता है? इन चारों पर: डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। राइट, तो आपका जो जनरल आईटी कंट्रोल है उनमें क्या क्या कंट्रोल्स है? ये चार कंट्रोल्स है। जनरल आईटी कंट्रोल में कितने कंट्रोल्स है? ये चार कंट्रोल्स है। वापस से बोलो, जनरल आईटी कंट्रोल्स में कितने कंट्रोल्स है? ये चार कंट्रोल्स है। चलिए, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। एक एक करके इनका क्या काम है? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन, जनरल आईटी कंट्रोल में चार कंट्रोल्स हो गए, तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का काम यह है कि पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो इस तरीके से प्रोसेस हो कि जो भी कंपनी के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो। करेक्ट, इनमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है देखो, मतलब डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन क्या क्या एक्टिविटीज को करता है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। ये ओवरऑल मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर ऑपरेशन की, मतलब पूरा जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है इनका मैनेजमेंट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन करता है। बैच जॉब्स को प्रिपेयर करना, स्केड्यूल करना और एग्जीक्यूट करना। बैच जॉब्स मतलब वो जॉब्स जो कंप्यूटर अपने आप कर लेता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, जिसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपको बैच जॉब्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, स्केड्यूल करने पड़ते हैं, ये बैच जॉब्स कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। ऐसा काम, बेसिकली देसी भाषा में बोलूं तो ऐसा काम जो कंप्यूटर अपने आप कर लेगा, तो उसके लिए आपको एक काम स्केड्यूल तो करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर करे उसे। तो बैच जॉब्स को प्रिपेयर करना, स्केड्यूल करना, एग्जीक्यूट करना किसका काम है? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का। चलिए, उसके बाद बैकअप्स लेना, बैकअप्स को मॉनिटर करना। अब बैकअप भी जरूरी है, कंप्यूटर में इतने फाइल्स होते हैं तो उसका बैकअप भी जरूरी है, डेटा का बैकअप भी जरूरी है। तो ये सारा बैकअप को मॉनिटर करना, बैकअप को स्टोरेज करना, बैकअप का ये सारा काम
डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का है। परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, डेटाबेस की, नेटवर्क्स की, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको मॉनिटर करना। अगर फेलियर हो जाता है, मान लो पूरा कंप्यूटर का भट्टा बैठ जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है, तो आप रिकवरी कैसे करेंगे इस फेलियर से। बीसीपी मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना, डीआरपी मतलब डिजास्टर अगर हो गया तो उससे रिकवरी कैसे होगी, डिजास्टर रिकवरी का प्लान बनाना, मतलब अगर फेलियर हो जाता है तो कैसे रिकवर किया जाएगा। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑपरेटिंग मैनुअल सर्विस रिपोर्ट को डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी आपके ऑपरेशन किस तरीके से काम होगा उसके मैनुअल्स को ये डॉक्यूमेंट करता है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, एसएलएस को मॉनिटर करना, एसएलएस को मॉनिटर करना। हेल्प डेस्क फंक्शंस, मतलब नॉर्मल चीजें, रिकॉर्ड मॉनिटरिंग ट्रैकिंग वगैरह काम इसका है, हेल्प डेस्क फंक्शंस। तो मेरे को एक बात बताओ मैम, पास्ट ईयर क्वेश्चन की वीडियो है क्या, मतलब सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। एक बात बताओ इसका मेमोरी टेक्निक तुम्हें मैं बताती हूं, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा अभी बैच ले रही हूं क्या यूट्यूब पर? हाँ बैच ले रही हूं, राइट, मैं आपका बैच ले रही हूं। ताकि आपका बैच क्यों लिया जा रहा है यूट्यूब पे, जो बैच लिया जा रहा है ताकि आपकी पढ़ाई मैनेज करवाई जाए, ठीक है, ओके। बीच बीच में मैं तुम्हारा टेस्ट भी लेती रहती हूँ क्या, मतलब मैं ये यूट्यूब पे जो बैच चल रहा है आपकी स्टडीज मैनेज करवाने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो, उसके लिए ये बैच चल रहा है। तो अपने क्या करते हैं, इस बैच में आपकी परफॉर्मेंस को मैं देखती हूँ कि कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो रही है, तो ये एक तरह से आपकी हेल्प हो गई, करेक्ट, ओके। बीच बीच में मैं आपके टेस्ट वगैरह भी लेती रहती हूँ क्या, मैं आपका टेस्ट लेती रहती हूँ? हाँ टेस्ट लेते रहते हैं आप, तो आपको बैकअप मिलता रहता है कि जो भी चीजें आप पढ़े हो उसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सारे बच्चे आप मेरे को बताना, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे। डेटा सेंटर, एक मिनट, सारे बच्चे का ध्यान इधर रहेगा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। सबसे पहले मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि प्रोडक्शन सिस्टम इस तरीके से प्रोसेस हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, मीट हो जाए। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है बताइए, मैंने आपको क्या बताया, सारे बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज होती है मुझे बताएंगे। सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए। सारे बच्चे बताओ डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का क्या काम है। मैंने आपको बताया मैडम आपका बैच ले रही है क्यों, ताकि तुम्हारी स्टडीज मैनेज हो जाए, तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, कोई भी बच्चा फेल ना हो, और इससे मैं आपका टेस्ट वेस्ट भी लेती रहती हूँ ताकि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक हो सके, इससे आपको हेल्प मिल जाती है, और एक बैकअप है आपके लिए, ये क्लासेस आपके लिए क्या है, बैकअप है, ये बैच का पूरा बैकअप है। तो मुझे बताओ बैच जॉब्स को स्केड्यूल करना डेटा सेंटर का काम है, ओवरऑल मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिकवरी फ्रॉम फेलियर, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसकी, डेटाबेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, नेटवर्क के मैनेजमेंट करना, हेल्प डेस्क फंक्शंस को रिकॉर्ड करना, मतलब नॉर्मल रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग ट्रैकिंग का काम, बैकअप्स को मॉनिटर करना, बैकअप्स को स्टोर करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे याद करवा दिए सारे बच्चे, और बाकी एक दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, सर्विस लेवल अग्रीमेंट हो गया। तो एवरीबडी, सबको याद रहेगा मैडम आपका बैच ले रही है क्यों, ताकि आपकी पढ़ाई मैनेज हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ताकि कोई बच्चा फेल ना हो, आपकी हेल्प कर रही है। मतलब एक और चीज है, मैडम ये बैच लेके आपकी हेल्प कर रही है, किस चीज की हेल्प कर रही है, कि आपकी पढ़ाई अच्छे से मैनेज हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, और कोई बच्चा फेल ना हो, ये आपके लिए एक बैकअप है ये बैच, ठीक है, ओके। याद रहेगा 6-7 पॉइंट्स वैसे याद हो जाएंगे, बाकी SLA आप याद रखेंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड, आगे बढ़े।
चलिए प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो प्रोग्राम चेंज, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी सिस्टम्स में मॉडिफिकेशन लाती रहती है क्या? हाँ, मतलब जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट होते हैं वैसे वैसे आप सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हो क्या? हाँ। तो प्रोग्राम चेंज का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मॉडिफाइड सिस्टम हो, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस आप लाए हो, तो जो भी मॉडिफाइड सिस्टम हो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो। मतलब अगर आप प्रोग्राम में चेंजेस आ रहे हो, कोई भी सिस्टम में किसी भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, तो जो मॉडिफाइड सिस्टम, जो चेंज के बाद जो सिस्टम होगा वो इस तरीके का हो कि ऑब्जेक्टिव्स मीट हो, ये प्रोग्राम चेंज का ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आप क्या क्या करते हो? देखो पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, डेफिनेशन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का देखने का काम किसका है? प्रोग्राम चेंज का। मतलब पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट के प्रोग्राम को देखने का काम क्या है? प्रोग्राम चेंज का। उसके बाद मान लो अगर आपको सिस्टम में चेंजेस लाने हैं, प्रोग्राम में आपको चेंजेस लाने हैं, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी, चेंज की रिक्वेस्ट। तो चेंज की रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, ट्रैक करना इसका काम है। उसके बाद अगर आपने रिक्वेस्ट प्लेस की है तो चेंजेस होंगे, मेक चेंजेस, तो चेंजेस को एनालिसिस करना, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिजाइन देखना। उसके बाद चेंजेस हो गए तो आप टेस्ट करोगे चेंजेस को कि जो चेंजेस हैं जैसा आपने सोचा था वैसे ही हुए क्या। यूजर एक्सेस टेस्टिंग, टेस्ट प्लान बनेगा, टेस्ट केसेस बनेंगे और टेस्ट होगा। मतलब पहले तो चेंज रिक्वेस्ट प्लेस की गई, उसके बाद चेंजेस हो गए, फिर आपने टेस्ट किए चेंजेस को, ठीक लगते हैं तो आप इन चेंजेस को प्रोडक्शन में अप्लाई कर देंगे। अगर कोई इमरजेंसी या माइनर चेंजेस की जरूरत है तो वो भी प्रोग्राम चेंज ही करता है। और सारी चीजों को डॉक्यूमेंट कर देना, यूजर या टेक्निकल मैनुअल, अभी ये नए सिस्टम को कैसे चलाना है उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देना मैनुअल का, यूजर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। नया सिस्टम है, मॉडिफाइड सिस्टम है, तो मॉडिफाइड सिस्टम को कैसे चलाना है यूजर को ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा। तो मुझे बता दो प्रोग्राम चेंज, सिंपल है ये। तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे प्रोग्राम चेंज, प्रोग्राम चेंज का क्या ऑब्जेक्टिव है कि चेंज के बाद जो भी आपका मॉडिफाइड सिस्टम हो वो किसको मीट करे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे। प्रोग्राम चेंज का क्या क्या काम है देखो, वन बाय वन आप सोचो, पूरे के पूरे ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखने का काम है, ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखने का काम है। उसके बाद में अगर आपको प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं तो चेंज रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ेगा, तो चेंज रिक्वेस्ट को ये लोग मैनेज करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो चेंज रिक्वेस्ट। उसके बाद चेंजेस होंगे, तो जब चेंजेस होंगे तो आप लोग डिजाइन वगैरह देखोगे, एनालिसिस वगैरह करोगे। चेंजेस हो गए तो आप क्या करोगे? फिर टेस्ट करोगे चेंजेस को कि चेंजेस ठीक हुए हैं कि नहीं, तो टेस्ट प्लान बनाओगे, टेस्ट केसेस बनाओगे, यूजर एक्सेस टेस्टिंग करोगे। उसके बाद टेस्ट अगर आपको ठीक लगता है तो चेंजेस को आप अप्लाई कर दोगे किसमें? प्रोडक्शन में, अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन। उसके बाद अगर आपको कोई माइनर वगैरह चेंजेस करने हैं तो ये प्रोग्राम चेंज कर देगा। डॉक्यूमेंट कर देना सारी चीजें, यूजर मैनुअल वगैरह को। एंड लास्ट में क्या है बेटा, आप यूजर को ट्रेनिंग भी दोगे कि कैसे ये मॉडिफाइड सिस्टम को यूज करना है, यूजर ट्रेनिंग। सबको याद रहेगा बेटा, वन बाय वन चेंज रिक्वेस्ट प्लेस करना, रिक्वेस्ट प्लेस करोगे तो चेंजेस होंगे, फिर आप चेंजेस को टेस्ट करोगे, फिर ठीक लगता है तो प्रोडक्शन में लगा दोगे, छोटे मोटे उसके बाद भी माइनर चेंजेस की जरूरत है तो वो कर दोगे, चीजों को डॉक्यूमेंट कर दोगे, यूजर ट्रेनिंग। एवरीबडी समझ में आ गया? एवरीबडी समझ में आ गया है? चलिए उसके बाद क्या है, एक्सेस सिक्योरिटी। देखो एक्सेस सिक्योरिटी का काम क्या है कि प्रोग्राम को, डेटा को, डेटा का जो एक्सेस है उसे इंश्योर करना कि जो प्रोग्राम है, डेटा है, उसका एक्सेस ऑथेंटिकेटेड रहे, ऑथराइज रहे। मतलब डेटा में हर आदमी को एक्सेस ना मिले, प्रोग्राम का एक्सेस हर आदमी को ना मिले, प्रोग्राम और डेटा का जो एक्सेस है वो ऑथेंटिकेटेड रहे ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जाए। मतलब डेटा सिक्योर्ड रहे, प्रोग्राम सिक्योर्ड रहे, उनका जो एक्सेस है वो हर किसी आदमी को ना मिले, सिर्फ ऑथराइज्ड आदमी को मिले, ऑथेंटिकेटेड। चलिए एक्टिविटीज, एक्सेस सिक्योरिटी क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है? तो सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करेगा किस किस को, देख लो। ये सिक्योरिटी, पूरे के पूरे सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाना, प्रोसीजर को बनाना इसका काम है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाना, सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना, पूरा मैनेजमेंट, पूरे पॉलिसीज बनाना, किस किस को ये सिक्योरिटी देता है?
एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनल नेटवर्क या पेरीमीटर नेटवर्क उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जैसे एक्सेस को कंट्रोल करना वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह को कंट्रोल करना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिविलेज अकाउंट्स, जो भी आपके प्रिविलेज वगैरह जो अकाउंट्स है जैसे सुपर यूजर्स वगैरह है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनके अकाउंट्स को आपको प्रिविलेज अकाउंट्स को ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ओके तो मुझे एक बात बताएंगे, बहुत सिंपल है एक्सेस सिक्योरिटी। मेरे को एक बात बताओ, एक्सेस सिक्योरिटी, एक मिनट, एक्सेस सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी का क्या बेटा ऑब्जेक्टिव है कि जो डेटा है या जो भी प्रोग्राम है उसका एक्सेस क्या रहे, ऑथेंटिकेटेड रहे, ऑथराइज्ड रहे टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्सेस सिक्योरिटी क्या क्या करता है, देखो पूरे सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करना, मैनेजमेंट वगैरह करना, सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसीज प्रोसीजर्स को बनाना, और डॉन का इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो सिक्योरिटी चाहिए ना डॉन को, इतनी पुलिस वेट कर रही है उसका। तो डी फॉर डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एन मतलब नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ओ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। डॉन को सिक्योरिटी मिल जाएगी क्या? हाँ नो प्रॉब्लम मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। एनपी फिजिकल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, एंड क्या मिस किया मैंने एक और, हो गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एवरीबडी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या प्रिविलेज अकाउंट्स को देखना। सारे बच्चे याद रहेगा क्या? एक बात बताओ, इट्स वेरी वेरी सिंपल यार, वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। सारे बच्चे इधर आइए, सबसे पहले आपने पढ़ा था डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है? उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन के बाद आपने पढ़ा था प्रोग्राम चेंज, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था एक्सेस सिक्योरिटी, ठीक है? इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव्स है, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव्स है प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट हो प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोग्राम चेंज का क्या है ऑब्जेक्टिव, मॉडिफाइड सिस्टम ऐसा हो कि क्या मीट हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। एक्सेस सिक्योरिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि डेटा और प्रोग्राम का जो एक्सेस हो वो क्या हो, ऑथेंटिकेटेड हो, ऑथराइज्ड हो, ताकि क्या हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। तो ये इनके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है? उसके बाद इनमें क्या क्या एक्टिविटीज है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, मैंने क्या बोला था, मैडम आपका बैच ले रही है, मैडम आपका बैच क्यों ले रही है, आपकी हेल्प करने के लिए। आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपकी पढ़ाई मैनेज हो जाएगी, मैडम आपकी परफॉर्मेंस वगैरह एनालिसिस करेगी ताकि आप फेल ना हो, ये आपके लिए एक बैकअप है। तो बैच जॉब्स को असाइन करना, स्केड्यूल वगैरह करना, हेल्प डेस्क फंक्शन को करना जैसे चीजों को मॉनिटर रिकॉर्ड वगैरह करना, मैनेज
करना, ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, फेल डीआरपी डिजास्टर रिकवरी प्लान बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को बनाना, बैकअप्स को मॉनिटर करना, बैकअप्स को स्टोर करना, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, ये सारे काम है। एक्सेस, फिर प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज का काम क्या है? पूरे के पूरे ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखना, ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखना। उसके बाद क्या काम है? ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखना, उसके बाद क्या है? ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देखना। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको चेंजेस लाने हैं प्रोग्राम में, तो आपको चेंज की रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी। तो चेंज रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, ट्रैक करना। उसके बाद आप क्या करते हो, चेंज रिक्वेस्ट होने के बाद मेक चेंजेस। तो चेंजेस जो हो रहे हैं उसका आप डिजाइन वगैरह एनालिसिस वगैरह करोगे। उसके बाद टेस्ट करना चेंजेस को, मतलब आप टेस्ट प्लान या टेस्ट केसेस बनाएंगे। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे चेंजेस इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंजेस को अप्लाई कर दोगे। चेंजेस प्रोडक्शन में अप्लाई हो गए तो उसके बाद क्या होगा, अप्लाई द चेंजेस इन प्रोडक्शन। उसके बाद अगर कोई माइनर चेंजेस की जरूरत है तो माइनर चेंजेस हो जाएंगे, चीजों को आप डॉक्यूमेंट कर दोगे और यूजर को ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, डेटा। उसके बाद क्या है आपका, एक्सेस सिक्योरिटीज। तो एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की पॉलिसी प्रोसीजर बनाना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, और डी मतलब डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, पी मतलब फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डॉन कौन है, पा है डॉन कौन है, ओके, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रिविलेज्ड अकाउंट्स को मैनेज करना। ऑल राइट एवरीबडी, याद हुआ क्या बेटा? आई होप आई हैव ट्राइड टू सम अप एज मच एज आई कैन। देखो ज्यादा अभी क्योंकि बुलेट रिविजन्स चल रहे हैं अपने बेटा, तो मैं ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई होप कि आपने चैप्टर्स पढ़े हैं और आपका रिविजन मेरे साथ हो रहा है। All right. Moving on to the next point. Application system acquisition, development and maintenance. इसका objective क्या है? कि अगर कोई system develop हो रहा है, configure हो रहा है, implement हो रहा है, financial reporting objectives को meet करें। मतलब अगर आप कोई system को develop कर रहे हो, आप अगर develop कर रहे हो किसी system को, तो सिस्टम ऐसे डेवलप हो, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो सिस्टम का कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। तो मुझे बताओ अगर कोई भी चीज को आपको डेवलप करना पड़ता है, तो पहले तो कहता है सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ये मैनेज करेगा। सिस्टम को आपको डेवलप करना है, कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए पहले आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ता है, फिर डिजाइन और एनालिसिस करना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है, मान लो सिस्टम भी बनाना है, तो पहले एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा, डिजाइन फाइनल करनी पड़ेगी, फिर उसका कंस्ट्रक्शन होगा, फिर आप टेस्ट करोगे कि क्वालिटी वगैरह ठीक है क्या कंस्ट्रक्ट होने के बाद, डेटा कन्वर्जन, गो लाइव, फिर उसके बाद आप उसको सिस्टम को प्रोडक्शन में अप्लाई कर देंगे, गो लाइव, डॉक्यूमेंट एंड ट्रेनिंग भी देंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम को आप डेवलप करते हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, डिजाइन को फाइनल करते हो, फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, टेस्टिंग किसकी क्वालिटी की ठीक है क्या, ठीक है, टेस्टिंग के बाद आप डेटा कन्वर्जन टेस्ट करते हो, डेटा कन्वर्ट हो रहा है, डेटा कन्वर्जन, उसके बाद गो लाइव आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो, डॉक्यूमेंट एंड ट्रेनिंग देते हो जहां जहां जरूरी है, नया सिस्टम है तो ट्रेनिंग की भी जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत है। एवरीबडी समझ में आ गया? कोई भी चीज को अगर आप बनाते हो, अक्वायर करते हो, एक्विजिशन डेवलपमेंट करते हो, तो पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, डिजाइन फाइनल होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, फिर टेस्टिंग होती है, डेटा कन्वर्जन, गो लाइव डिसीजन, डॉक्यूमेंट एंड ट्रेनिंग। एवरीबडी, तो आपने चारों पॉइंट्स पढ़ लिए। ओके, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू माही, थैंक यू अक्षिता, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए एक दो बार और पढ़ेंगे ना, आप लोग खुद भी रिवाइज करोगे तो याद, मैंने पता है हमेशा मोस्टली क्लासेस में ये पॉइंट लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ये तो सेल्फ लर्न करने की चीज है, अब
बुलेट रिविजन में मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती सारी चीजें एक घंटा में, तो ये तो आप रिवाइज मतलब पढ़ लेंगे, मतलब खुद पढ़, खुद आप लोग याद करने का पॉइंट है तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आज ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ। चलो अगर नहीं भी है, अगर कोई बच्चा छोड़ के भी जा रहा है, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो इसका याद रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। ठीक है, चलिए ऑल राइट। आगे तीन टाइप के कंट्रोल्स थे बेटा, क्या क्या कंट्रोल्स थे? एक था जनरल आईटी कंट्रोल, उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल। तो बेटा ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल, क्या काम होता है एप्लीकेशन कंट्रोल का? मैम डेटा को सिक्योर करना, डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, ये एप्लीकेशन कंट्रोल का काम है। कहता देखो एप्लीकेशन कंट्रोल ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं। इसके ऊपर आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। क्या एप्लीकेशन कंट्रोल सिर्फ ऑटोमेटेड होते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, एप्लीकेशन इन कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल, जो कि बिजनेस प्रोसेस लेवल पे अप्लाई होते हैं। मतलब आपके जो भी बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें जो एप्लीकेशंस है उन पे ये कंट्रोल लगता है। कहता है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशंस। जो आईटी एप्लीकेशंस आप यूज करते हो उसमें ऑलरेडी होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। कहते हैं जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं ना, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं आईटी एप्लीकेशन में, ईआरपीस वगैरह में। ये क्या इंश्योर करते हैं? कि डेटा बिल्कुल कंप्लीट रहे, एक्यूरेट रहे, ये इंश्योर करते हैं। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल मुझे बताओ ऑटोमेटेड भी हो सकता है, इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल। जो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं आईटी एप्लीकेशंस में, एम्बेडेड होते हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल का काम क्या है? इंश्योर करना कि डेटा कंप्लीट रहे और एक्यूरेट रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू बी सेंडिंग मी सच स्वीट मैसेजेस। ये आपकी मेहनत है बेटा, मेरी नहीं है। आपको याद हो रहा है, ये आपकी, आप टाइम दे रहे हो तो आपको याद हो रहा है, इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट आपको ही जाता है। सो अप्रिशिएट योरसेल्फ, हाथ उठाइए, अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, चलो एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया। अब आ गया आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब आप देख ही लो ना, आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स बेसिकली है तो ये मैनुअल कंट्रोल्स, मतलब ये कंट्रोल्स मैनुअली करने पड़ते हैं आदमी को, ह्यूमन को। पर इसमें ना आप आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ रिपोर्ट जो प्रोड्यूस करता है आईटी, या एप्लीकेशंस जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आईटी सिस्टम कुछ डेटा जो प्रोड्यूस कर रहा है, आप उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो और मैनुअली इन कंट्रोल्स को लगा रहे हो, इसे कहते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। मतलब ये है तो मैनुअल कंट्रोल्स, मतलब लगाते तो आप इन्हें मैनुअली हैं, बट ये कंट्रोल्स यूज करते हैं कुछ ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम प्रोड्यूस करके देता है। इवन दो ये कंट्रोल्स मैनुअली परफॉर्म किए जा रहे हैं, बट इस कंट्रोल की डिपेंड करेगी इफेक्टिवनेस इन कंट्रोल्स का किस पे डिपेंड करेगा? डेटा के ऊपर। अगर ये डेटा रिलायबल है, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल्स डिपेंड करता है, क्योंकि है लगा तो मैनुअली रहे हो, पर मैनुअली कंट्रोल्स लगा रहे हो किस बेसिस पे लगा रहे हो? जो सिस्टम ने जो डेटा प्रोड्यूस किया है उसको यूज करके। तो डेटा सोर्स, डेटा रिलायबल होना पड़ा, तभी ये कंट्रोल्स क्या रहेंगे? इफेक्टिव रहेंगे। एवरीबडी, यो यहां पे हमने काफी चीजें कर ली, काफी चीजें यहां पे कवर की है। इसी के साथ साथ मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंची हूं। पूरा चैप्टर तो हम नहीं करा पाएंगे बेटा आज, 80% चैप्टर में करवा पाऊंगी आपको। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत सारे पॉइंट्स वाला चैप्टर है, मोटा मोटी कंप्लीट कराएंगे। ओहो एक मिनट, एक पॉइंट जो आपका यहां पे मैं करवाना चाहूंगी वो है ये टेस्टिंग मेथड्स। अब देखो इतने सारे कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो आपको इन कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा क्या? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेस्टिंग इन दी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्या? इतने जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, अब ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे टेस्ट करोगे? चार तरीके हैं टेस्ट करने के, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। तो देखो
इसको पढ़ो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, इंक्वायरी देखो, इंक्वायरी इफेक्टिव नहीं है। इंक्वायरी आप अगर देखो तो लो है, किसमें? इफेक्टिवनेस में। इफेक्ट आना, किसी भी चीज का इफेक्ट आना मतलब अगर आपको उस चीज को करने से एविडेंस मिल रहे हैं तो उसका इफेक्ट आएगा। किसी भी चीज को करने से सबूत मिलेंगे तो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इंक्वायरी करने से ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं, तो इंक्वायरी लीस्ट इफेक्टिव है, पर रीपरफॉर्मेंस हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि रीपरफॉर्म करने से आपको बहुत सबूत मिलते हैं। तो इंक्वायरी जो है बेटा लेस इफेक्टिव है, पर रीपरफॉर्मेंस से बहुत सबूत मिलते हैं, तो रीपरफॉर्मेंस हाईली इफेक्टिव है। लेकिन इंक्वायरी एफिशिएंट बहुत है, क्योंकि इंक्वायरी को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इंक्वायरी को करने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इंक्वायरी हाईली एफिशिएंट है। लेकिन रीपरफॉर्मेंस लो है एफिशिएंसी में, क्योंकि रीपरफॉर्मेंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है आई एंड आई, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताएंगे, इंक्वायरी से ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते तो इफेक्ट नहीं आ रहा, तो लीस्ट इफेक्टिव है ये। लेकिन जो रीपरफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। उसके बाद में एफिशिएंसी पे अगर हम ध्यान दें तो इंक्वायरी हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इंक्वायरी रीपरफॉर्मेंस सॉरी लो इन एफिशिएंसी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। याद रहेगा सारे बच्चे, ये पॉइंट हमारा आज की क्लास का लास्ट पॉइंट था, क्योंकि बुलेट रिवीजन का टाइम है 1 घंटे का, तो इसलिए हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ ज्यादा बाकी रहा नहीं है, एक डेटा एनालिटिक्स का पॉइंट बाकी रहा है और एक ऑडिट फाइंडिंग का पॉइंट बाकी रहा है, ये 2 पॉइंट बाकी रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप अगर मेरे पुराने कोई भी रिविजन देखोगे उनमें ये 2 पॉइंट हमेशा कवर होते हैं। आज मैंने ये वाला पॉइंट आपका कवर करवा दिया, ये वाला, जिसकी वजह से इस चैप्टर में काफी टाइम लगता है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये हमने कवर कर लिया। तो आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट ये 1 घंटा में हम जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हैं रिविजन्स करवाने का, मैं ट्राई करती हूँ। बुलेट रिविजन का टाइम एक्चुअली 1 घंटा का है, हालांकि उसके बाद भी हमने ये सेशन, बेटा जी ये चैप्टर पूरा आपका 90% कंप्लीट हो गया है, हार्डली देर इज अ पॉइंट विच इज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विच इज लेफ्ट विच इज सुपर सिंपल एंड ऑडिट फाइंडिंग का पॉइंट जो आप कर लेंगे, इसको करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, वेरी सिंपल पॉइंट। आप मेरे किसी भी पुराने रिवीजन को उठा के देख लो, उसमें भी होगा ये पॉइंट। ठीक है, ओके, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, एक चैप्टर अगर आपने 90% वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ पढ़ लिया तो 10% तो आई होप कि आपने क्लासेस ली है और आपने खुद ने भी कुछ रिविजन किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 10% आप अपने आप करें। बाकी मैंने आपको ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90% हो गया है, हार्डली एनीथिंग इज लेफ्ट, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है बाय द एंड ऑफ दिस, बिकॉज बुलेट रिवीजन में ना बेटा, बुलेट रिवीजन में बहुत एनर्जी लगती है, सो आई ट्राई टू कीप द क्लास एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल। रेस्ट 10% आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट कल के क्लास में हम एनालिटिकल प्रोसीजर का चैप्टर करने वाले हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल राइट एवरीबडी, इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए, एंड मैं आपसे एक चीज और बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली मेहनत करो और डरना किसी चीज से नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल राइट बच्चों, अनअकैडमी पे 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, एक है प्लस एक है आइकॉनिक। आइकॉनिक के अपने फायदे हैं, जैसे आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स दिया जाता है, आपको स्टडी प्लान करके दी जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आप अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो।
आपके एक सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी पे दोनों ग्रुप्स के क्लासेस आप ले सकते हो, ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट्स, ग्रुप टू के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप ले सकते हो। तो अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद है तो, सीए दीपिका। अनअकैडमी पे मैं लॉ और ऑडिट इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद है आप इस कोड को यूज करके, ये एक डिस्काउंट कोड है, तो अगर इफ यू एक्नॉलेज, इफ यू लाइक माय क्लासेस, सो एज एन एक्नॉलेजमेंट यू कैन यूज दिस कोड। आई विल बी रियली एनकरेज्ड व्हेन यू यूज माय कोड, दैट मींस दैट यू लाइक माय क्लासेस। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, पहले एनालिटिकल उसके बाद सैंपलिंग। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये रिविजन सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि मैं बहुत मन से आपको ये सेशंस करवा रही हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी पूरे मन से पढ़ाई करते रहें और मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।